न हो जाए, बहुत जरूरत है। पूरी, मुझे पूरी। मेरे भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जो चीज खोया है हमसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। माँ पागल हो रही है रो रो के। मेन कमाने वाला भाई था। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जौनपुर में। जौनपुर में हम आरती जौनपुरिया के घर पर हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में एक हत्या होती है इनके भाई की, और जिस तरीके से हत्या होती है आपको बता दें कि दिल्ली में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। आपको पता होगा सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आए दिन ऐसे ऐसे जघन्य अपराध होते हैं कि दिल्ली सरकार इस पर रोक नहीं पा रही है। और हमारे बीच में हमारे ही यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर हैं जिनके भाई के साथ ही दुखद घटना हुई है। आइए पूरी जानकारी उनसे लेते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसा क्या हुआ और किस वजह से ये घटना हुई। तो सबसे पहले ये बताओ बहन, इस दुख घड़ी में पहले बता दें आपको कि पूरी यूट्यूब फैमिली आपके साथ है, कुछ भी कोई भी दिक्कत होगी पूरी हेल्प होगी, ठीक है? आप अधीर न होजिए, बहुत जरूरत है। पूरी, मुझे पूरी। मेरे भाई को, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जो चीज खोया है हमसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। माँ पागल हो रही है रो रो के। मेन कमाने वाला भाई था मेरे घर। आपको बता दें कि ऐसे हालात है परिवार के कि अब शब्दों से बयान नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, अब इनके साथ एक जवान भाई अगर घर से चला जाए तो क्या स्थिति हो सकती है। तो भाई आप उनके दोस्त हैं? क्या नाम क्या हुआ भैया? सुदीप नाम है मेरा। तो क्या कैसे क्या घटना हुई थी, कुछ विस्तार से थोड़ा बताइएगा। विस्तार से तो उसका छोटा भाई वहाँ था, आप मुझसे अच्छा था। मेरे को जब इस टाइम पर फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे उसके सर पर बेस बल्ले से वार किया गया है, बेस बल्ले से 4 वार किए गए हैं, 3 सर पे लगे हैं, 1 पीछे लगा था। तो उसके बाद अस्पताल का नाम बताया, अस्पताल महावीर अस्पताल में एडमिट है। उस अस्पताल में हम गए, भागे भागे गए, देखा तो छोटे भाई का बड़ा बुरा हाल था, साहिल था, उसके नाक से ब्लीडिंग आ रही थी। बाकी डॉक्टर जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे खून की उल्टी भी किया था, वो वहाँ से उसको रेफ़र किया गया। फिर हम सीधा सीधा जयपुर गोल्डन लेके गए उसको, प्राइवेट जो अस्पताल है हमारे नियर बस स्टेट, वहाँ पर भी ICU वेंटिलेटर का उपलब्ध नहीं था कुछ भी। फिर वहाँ से जितने भी बड़े से बड़े अस्पताल था वहाँ पर हमने उसको दिखाया। लास्ट में इसको 2:00 पे पंजाबी बाग वाले महाराजा अग्रसेन में एडमिशन किया। एडमिट करने के बाद उसको वेंटिलेटर वगैरह, ऑक्सीजन, ICU में सब एडमिट किया। फिर तो डॉक्टर की कार्रवाई है, 12:00 में डॉक्टर बताते हैं कि नहीं बचे, सर में ब्रेन में लगने की वजह से, ब्रेन में लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। अच्छा बताइए, दिल्ली में कौन सा इलाका था, प्रीतमपुरा या मंगोलपुरी, कौन सा इलाका? ये प्रीतमपुरा आता है मद्रासी झुग्गी, जो मंगोलपुरी थाने के अंडर में आता है। तो टीवी टावर के थोड़ा सा दूर जो है, टीवी टावर थोड़ा सा दूर है, उससे पहले दीपाली चौक है उसके, हाँ जी वहाँ पर है मद्रासी झुग्गी, और थाना इसका मंगोलपुरी लगता है। अच्छा, नियरेस्ट जो है मंगोलपुरी मेट्रो के पास ही में ही है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं हैं, आपको बता दें तमाम झुग्गियाँ जो हैं वहाँ पर बंगालियों कुछ ज़्यादा रहते हैं, मद्रासी और बंगाली भी रहते हैं। और कहाँ का रहने वाला था आरोपी, कुछ पता है? राजस्थान का रहने वाला था। राजस्थान जी, अभी कुछ पता नहीं लगा उसका। जो जिसने मारा था, जो 3 सदस्य थे, सचिन, तन्नु और प्रिंस पकड़ा गया है। अच्छा। तन्नु और सचिन और उसका समस्त परिवार वो भागे हुए हैं। अभी तक इनकी कोई खोज खबर नहीं मिली? कोई खोज खबर नहीं, पुलिस इस चीज़ में कार्रवाई कर रही है। क्या बताएं अब आपको, दोस्तों आप लोग सजग रहिएगा ऐसे लोगों से। तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो ब्लैकमेल करके आपको फंसाती हैं। आपको बता दें ऐसे तमाम केसेज आते हैं हमारे पास। अभी पिछले दिनों एक यूट्यूब के ही जरिए में जो मैसेज आया था कि सर जी आप इसको देख लीजिए, वो भी दिल्ली का ही मामला था, ये जहांगीरपुरी का था और फिलहाल आपका मंगोलपुरी का है। तो बहन का आखिरी बार कब से बात हुई थी आपकी भाई से? 8 तारीख को बात हुई थी, क्योंकि हम जौनपुर गए थे। बहन की छोटी वाली लड़की, बहन की लड़की हुई है 6 महीने के पूरे होने वाली, तो उसको दूध भात का जो रसम होता है वो खिलाने वाले थे। मम्मी बोली कि साहिल बेटा चले आओ, उसको दूध भात खिलाना है। तो वो बोला मम्मी मैं चलाऊँगा, मेरे दुकान का नुकसान होगा, तो वैसा करूँ बड़े बाबू मतलब आकाश को, छोटे वाले भाई को भेज रहा हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है। वो उधर से आया, कानपुर ही पहुँचा था वो भी बेचारा। जब ये सब हुआ सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन आया रात को, और बड़ा वाला भाई रोने लग गया। मैंने बोला क्या हो गया, क्योंकि इतना सुबह किसी का कॉल आता नहीं है, आएगा कभी दोपहर में तो या तो रात में। 4:30 बजे फ़ोन आया, तो मैं नींद में थी। मैंने बोला कि हाँ सूरज बोल, तो खाली वो सिसक रहा है, तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला रो क्यों रहा है, तो मैं 2-3 बार हलो हलो बोली क्या हो गया सूरज, कह रहा है साहिल को किसी ने बल्ले से मार के दुकान पे ही चला गया है, मम्मी को लेके जल्दी से आ जाओ दिल्ली।
मैं मेरे तो खुद ही समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मैं ऐसे मैं तुरंत मम्मी को बुला कैसे बताऊं, मैं नहीं बताऊं तो भी बताऊं तो भी दोनों परेशानी थी। तो मैंने बताया, मम्मी बैठी थी सुबह झाड़ू वाड़ू बाहर लगाया, तब मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली इतनी सुबह किससे बात कर रही थी, मैंने बोला मम्मी सूरज का फ़ोन आया, साहिल को किसी ने मार के चला गया दुकान पर। मम्मी तुरंत हरकत करने लग गई पागलों जैसे। मैंने बोला कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि कुछ हो चुका है। तब सूरज से बात की, सूरज रो रहा है कि बार बार यही कह रहा है मम्मी को लेके चले आओ। तत्काल में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ट्रेन से जाऊं कैसे जाऊं, भाई मुझे बार बार बोल रहा है मम्मी को जल्दी से लेके चलिए, साहिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर जल्दीबाजी में एक मेरी फ्रेंड थी, उसने फ़्लाइट टिकट बुक करवाया, बोल रहे दीदी आप चले जाइए। फिर बाबतपुर से हम यहाँ से गए, फ़्लाइट पकड़े, फिर वहाँ उतरे। फिर भी हमको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उस दिन वो कांड हो चुका था, नहीं था भाई मेरा। सब लोग छुपाए, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है पापा के जब से ख़त्म हुए हैं, और बस यही सब। अच्छा, कितने दिन से इस लड़की से विवाद चल रहा था? विवाद तो पता नहीं कब से चल रहा था, पर मम्मी अभी बीच में दिल्ली गई थी तो उसने स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने बताया कि आंटी तनु जो है साहिल भाई का, और अपना फ़ोटो अलग अलग क्लोज में ऐसे लगा रखा है। तो मम्मी गई उसको समझाए उसके घर में बैठ के कि देख तनु जो तू कर रही है अच्छा नहीं है, साहिल का पीछा छोड़ दे, तेरी सगाई हो गई है इतना तो शर्म कर। बोल रही आंटी ऐसा कोई भी बात नहीं है, और साहिल भैया भी बोलती थी उसको, बोल रही है साहिल भैया के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जब मैं उसके फ़ोन में कल मैं देखी हूँ, सारे रिकॉर्ड दिख रहे थे मुझे, उसका SMS और उसका वॉइस रिकॉर्डिंग सारा चीज़ भाई ने रख रखा है कि उसको किस तरह धमकी देता था। भाई भी बार बार बोल रहा है, उसके ऊपर दूसरा कोई फ़ोन करके मतलब इल्ज़ाम लगा रहा था, गली में हल्ला कर रहा था कि तुम्हारा भाई गली में तनु के साथ ऐसा कर रहा है, हम उसको ऐसे कर दे वैसे कर देंगे। सारी चीज़ हमको मिला, हमको कहीं भी नहीं लगा कि भाई मेरा कहीं भी हाँ बोला होगा। और हर जगह मैंने चैट भी जो रिकॉर्डिंग है वो हर जगह उसका ना ही था कि देख मेरा पीछा मत कर तेरी सगाई हो गई है। बार बार यही बोलती है तुम मुझसे मैं तुमसे शादी करूंगी, अगर तुम हाँ नहीं करोगी मैं जहर खा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, कुछ कर लूंगी, मतलब ब्लैकमेल बार बार वो मुझे भाई को मेरे करती थी। अगर मेरा भाई इतना सा भी हमको बताता ना तो मैं मम्मी को या मैं खुद ही पहुँच जाती उसको समझाने के लिए, और उसको भी समझाती, मारती तो दोनों को ही मारती मैं, पर इस घाट उतार देगी मेरे भाई को मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, कुछ चीज़ें तो शेयर की होगी उन्होंने इसके बारे में? हाँ, तन्नू के बारे में कुछ चीज़ भी शेयर करी थी कि मुझे परेशान कर रही है भाई, ये ऐसा कर रही है, बता कोई रास्ता, कोई पूछ लेगा। मैंने कहा सीधा इसको बोलता कि भाई इसके घर वालों से बात करी, इसके कई बार इसकी नानी है जो रहती है, मम्मी तो कई बार दिखती नहीं है, इसकी नानी को कई बार समझाया कि आंटी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है इसको आप समझाओ, तो उसको उल्टा ही इसको बोलती थी कि नहीं तेरा कोई रोल होगा, अगर वो सीधा ही बोलता था इसका कोई रोल होगा तो भाई मैं आपको क्यों आके बोलूँगा। ये कहीं भी जाती थी, किसी भी लड़के के साथ जाती थी, इसके जो रिलेटिव में जिसका नाम बता रहा हूँ मैं, उसका भी नाम साहिल है, वो उसी को फ़ोन करता था कि भाई तेरे पर नाम आ रहा है यहाँ पे कि तेरे साथ गई है। वो साफ बोलता था कि भाई तू दुकान पे आके देख ले, मैं तो दुकान पे ही बैठा हूँ, अगर मैं साथ जाता तो मैं भी तो दुकान से गायब होता था। तो इसको कई बार हमने समझाने की कोशिश करी तन्नू को कि भाई उसका छोड़ दे पीछा, उसके पिताजी है नहीं, उसका इकलौता ही वो बंदा है जो कमाने वाला और घर चलाने वाला है, दो छोटे छोटे भाई है उनको देखना, उनको सब कुछ करना, वो ही सब कुछ करता था। पहले वो लड़की कह रहे नहीं भैया ऐसा कुछ मैटर नहीं है, मैं कहा अगर मैटर नहीं है तो उसको तो वीडियो कर से ऐसे करके वीडियो बनाती थी जैसे कुछ गोली खा रही है वो कर रही है, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तो लास्ट टाइम मैंने इसको इतना ही बोला था कि मैंने कहा साहिल एक काम कर, ऐसे ये समझेगी नहीं, इसका थोड़ा कोई ना कोई उपाय निकाल, पहले तो खुद का बचाव कर क्योंकि तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब जाके इसका हमने धोखे से फ़ोन मंगाया था तन्नु का, जो ये तोड़ चुकी थी, इस वजह से तोड़ी थी कि लास्ट टाइम उसको पता लग गया था कि इतने इसके अफेयर है, सचिन नाम जो इसके जिसके साथ मंगे थे इसका सगाई हुई है, उसके बाद भी इसका मतलब चार पांच और लड़के हैं जिसकी वजह से मुझे एक का नाम पता है अरुण जो सुल्तानपुरी में रहता है, उसका भी पुलिस केस वगैरह सब हुआ था, उसने इसको मारा भी था तन्नू को और पुलिस में इसको लेके एड वो भी किया था। तो जाके इसके भाई ये प्रिंस और इसके दादाजी वगैरह उसको माफ़ी मांग के छुड़वा के लेके आए थे, उसके बाद से साहिल का कार्रवाई शुरू हुआ कि भाई साहिल को वो तो चले गया, उसके पास तो प्रूफ नहीं है। मैं कहा जैसे उसने प्रूफ इकट्ठा करके इसको हटाया है ऐसे तू भी प्रूफ इकट्ठा कर। तब जाके इसके धोखे से हमने फ़ोन लिया, उसके फ़ोन में हमने डिस्प्ले लगाई, डिस्प्ले लगा के जितने भी इसके लड़कों के साथ अफेयर थे और जितने होटल में वीडियो बनाती थी, मतलब बाहर में जाके दारू पीते टाइम वीडियो बनाती थी या होटल में
गलत चीज़ें करते हैं, वीडियो बनाते थे, वो सारी हमने इकट्ठे करी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में ऐसी कई सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मैं देख चुका हूँ, लड़कियों का धंधा बन चुका है कि भोले भाले युवकों को फंसाती हैं, वीडियोज़ वगैरह बना के उसके बाद उनको ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करती है, या तो वो सुसाइड कर लेता है या तो फिर कहीं का नहीं रहता, बर्बाद करके छोड़ती हैं। तो ऐसी इसके तो परिवार वालों के बारे में सबको पता ही है उसके एरिया में कि इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी को किसी के साथ हमने देख लिया था, मतलब वहाँ के जो मोहल्ले वालों ने, इस कारण इसके पिताजी जो हैं उन्होंने फांसी लगा लिया था उस चीज़ में। इसकी एक बुआ है, वो भी उसका भी काम यही है, आए दिन उसको गली मोहल्ले वाले पकड़ते रहते हैं कि भाई सुधर जा, नहीं तो हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे जहाँ के तुम लोगों हो राजस्थान, अपने ये मकान बेचो और यहाँ से चले जाओ। तब भी वो एक महीना दो महीने ठीक रहती थी, तीसरे महीने से उसका वही सीन चलता था। बहनें दोनों ऐसी है, तन्नु और दूसरे का तो नाम मुझे पता नहीं है, पर इनका भी करैक्टर ऐसे ही है। तन्नु को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, हम नहीं मतलब पूरा झुग्गी है उसको जानते हैं। कईयों ने पूछा है मैंने भाई इसका करैक्टर कैसा है कैसा नहीं, सब ने ये बोला कि हमने यूज़ करा और छोड़ा, वो तो सब गली को ही पता चल जाते, पूरी गली तो सबको ये ऐसी है। इसको फिर भी हमने जो उसका नाम बता रहा हूँ मैं साहिल, उसके मैंने बात करी थी, मैंने कहा इसको समझा ये मेरे भाई के साथ ऐसा कर रही है ऐसा कर रही है, इसको समझा ले नहीं तो लास्ट टाइम भी अच्छा नहीं होगा। वो कह रहा ठीक है पाजी भाई मैं इसको समझाता हूँ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये घटना होती है। मेरे साथ मन्नू जी हैं, आप लोग जानते होंगे, और बहन आप कब आई थी यहाँ पे? अभी अभी आई जी। तो आपको बता दें जितनी भी YouTube फैमिली हमारी देख रही है, आप इस दुखड़ी घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ रहें और ऐसी कोई भी घटना होने से पहले आप लोग सजग रहें, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी हैं। ये आप मन्नू हैं, आप आरती हैं, आप तो काफ़ी फेमस यहाँ के चेहरे हैं, ठीक है, आपके पूरे सपोर्ट में पूरी YouTube फैमिली है, आप लोग बिल्कुल भी अधीर मत होइएगा, ठीक है, जो भी होगी पूरी वहाँ तक कार्रवाई जो होगी वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके दिल्ली के। यही उम्मीद है कि हमको न्याय चाहिए। नहीं नहीं, मेरी माँ रो रो के पागल हो जाएगी, हम किस कहाँ जाएंगे, फिर पापा भी नहीं है, जो कमाने वाला भाई था उसके साथ ये हो गया है, भाई सारे अभी दोनों छोटे छोटे हैं। जितने भी ब्लॉगर्स देख रहे हैं या न्यूज चैनल वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ख़ुद भी आप बनाइए वीडियो इस मामले पर, ताकि इस मामले को इतना हाईलाइट किया जा सके कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। और ज़्यादा न कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस परिवार के साथ क्या ही बताएं, शब्द ही नहीं निकल रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने पिता को खोया, अब जवान भाई चला गया है। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।